दो प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक तो वो जिन्हें स्वयं पर पूरा भरोसा होता है, अपने काम पर भरोसा करते हैं, वो समझते हैं कि जो हुनर उनके भीतर है वो कोई सामान्य हुनर नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो स्वयं को बहुत मामूली समझते हैं, जो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को बहुत सामान्य समझते हैं। इस प्रकार के लोगों को हमेशा ये लगता है कि उनके भीतर कोई खास बात नहीं है, और यकीन मानिए इन लोगों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और अगर आपने भी इस वीडियो पर क्लिक किया है तो 98% चांस है कि आप भी अपने आप को दूसरी कैटेगरी वाला ही समझते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट समाज में सबके बीच में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कराना, रिस्पेक्ट कराना सभी को अच्छा लगता है और वो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, क्योंकि सफलता से पहले चरित्र आता है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखना। नंबर 1, अपने काम को छोटा समझना बंद करो। कई बार ऐसा होता है जब हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाते या कोई काम करते रहते हैं तो कई बार हम अपने काम को ही छोटा समझने लगते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसे किसी को बताना तक पसंद नहीं करते। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। काम कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसकी इज्जत जरूर करनी चाहिए, अपने काम की वैल्यू जरूर करनी चाहिए। आप सोच कर देखो, एक भिखारी जो दिन भर सड़कों पर भीख मांगता है, बच्चे उसके भी है, वो भी किसी का पिता है, लेकिन यदि तुम महसूस करो तो तुम्हारी नजर में वो तुमसे भी छोटा काम कर रहा है, तो आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उससे तो कहीं बेहतर हालात में हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हर किसी की किस्मत में तुम्हारे जैसे काम कर रहा नहीं होता, किसी को तुम्हारी तरह काम करने तक का मौका नहीं मिलता। अगर तुम इस तरह सोचो तो तुम्हारे मन में स्वयं धन्यवाद की भावना उत्पन्न होगी, थैंक यू की फीलिंग होगी, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हें वैसी कोई चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम स्वयं को छोटा समझते रहते हो, तो इसमें तुम्हारे सोचने के नजरिए की कमी है। अगर तुम अपने सोचने के नजरिए को बदलो तो सब कुछ अच्छा है, वरना सब कुछ बुरा। एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ, प्रेम करना सीख जाओ, उसके बाद तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ जाएगा, और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद जो सबसे पहले बदलाव जो आप अपने अंतर्मन के अंदर महसूस करते हैं वो ये है कि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है। खुद से प्रेम यानी कि खुद पर विश्वास बढ़ना, और खुद पर विश्वास बढ़ना यानी कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होना। मजबूत संकल्प शक्ति में एक लीडर, एक नेता का गुण होता है। जब दूसरे लोग जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं वो ये देखेंगे कि ये आदमी जो भी काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, तो अपने आप सबकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी, आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। नंबर 2, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छाई करना, दूसरे की भलाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप हर समय किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो वो कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएगा। कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, बल्कि सब तुम्हारा फायदा उठाना चाहेंगे, तुमसे अपना काम निकालने के लिए योजना बनाते रहेंगे, जिससे बाद में तुम्हें ही दुख होगा, तुम्हारे मन को तकलीफ होगी। इसलिए पहले से ही सचेत हो जाओ, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहो, जो हमारे करीबी हैं, अपने हैं, उनके लिए हमेशा मौजूद रहो, लेकिन दूसरों को अपनी जरूरत महसूस करवाओ। जब भी वो कोई काम करे तो उन्हें आपकी कमी महसूस होनी चाहिए, और जब ऐसा होगा तो आप समझ लेना कि दूसरे के सामने आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। नंबर 3, काम पूरा होने से पहले उस काम के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम मजाक के पात्र बनकर रह जाओगे। बहुत से लोग काम पूरा होने से पहले ही डींगे हांकने लगते हैं, उनकी तो आदत ही होती है लंबी लंबी डींगे हांकने की। पहले वो बहुत लंबी लंबी डींगे हांक देते हैं और जब काम पूरा नहीं होता तो तब उन्हें दूसरे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग आपको गंभीरता से कभी नहीं लेंगे। इसलिए चुप रहकर अपने काम को करते रहिए, बिना किसी को बताए निरंतर खामोशी से अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, और फिर एक दिन वो भी आएगा जब आपके लक्ष्य को पा लेंगे। उसके बाद लोगों को स्वयं ही इसके बारे में पता लग जाएगा। आचार्य चाणक्य जी स्वयं कहते हैं कि अपने काम को पूरा होने से पहले किसी के सामने भी जिक्र नहीं करना चाहिए। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज ही
सतर्क हो जाए कि अगर आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नंबर 4, अपने भीतर की झिझक डर को दूर करो। अपने झिझक को डर को दूर करने का एक ही तरीका है कि तुम उसका सामना करो। यदि आपको अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है तो जबरदस्ती उनसे बात करने का अभिनय करो। ऐसा करने से एक दिन वो भी आएगा जब आपको किसी से भी बात करने में कोई झिझक नहीं होगी। तब आप किसी से भी आसानी से बात कर पाएंगे। जब आप दूसरे के सामने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपने विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो दूसरे लोग आपकी स्पष्टता की, आपकी निडरता की अपने मन में जरूर तारीफ करेंगे। नंबर 5, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है और जिंदगी में कभी इसे भूलना मत कि घमंड की तलवार बहुत भारी होती है। ये कब तुम्हारी गर्दन काट देगी तुम्हें स्वयं पता नहीं चलेगा। भौतिक जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है। हो सकता है ये अहंकार आपको नजर ना आए, लेकिन दूसरे को ये अहंकार महसूस हो जाता है। इसलिए जब तक आप उनके सामने रहेंगे तो वो आपके पद की वजह से आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे, लेकिन आपके पीछे से वो आपको अहंकारी और घमंडी बताने लगेंगे। इसलिए खुद का निरीक्षण रहो, कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हम अहंकार से तो नहीं भर गए, कहीं हम अपने से छोटे पद वाले के साथ गलत तरह से पेश तो नहीं आ रहे। इस बात का निरीक्षण करना बेहद जरूरी है और इस बात की सीख आप स्वयं भगवान श्री राम से ले सकते हैं, जो स्वयं भगवान का अवतार होते हुए भी कभी भी अपनी मर्यादा नहीं भूले, कभी भी किसी छोटे का अपमान नहीं किया, हमेशा अपनी मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। तो दोस्तों, इन 5 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी कहीं भी जाएं, आप अपनी वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चीजें सीखनी है तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडिमेनिया।